मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं मोक्षदायक एकादशी के बारे में। ध्यान रखें, अपने यहां एक वर्ष में 24 एकादशी आता है। प्रत्येक महीने में एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्पेशली मोक्षदायक एकादशी के, जो हमें मोक्ष प्रदान करने वाली है। और हां, मरने के बाद मोक्ष नहीं, जीते जी मोक्ष कैसे प्राप्त करें ये हमें मोक्षदा एकादशी से समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है। बस आपको करना कुछ छोटी सी उपाय है, जो मेरे टिप्स को अगर आप करें तो जीवन में भी आप मोक्ष पा सकते हैं, जीते जी मोक्ष पा सकते हैं। और जीते जी मोक्ष क्या है इसको जानने के लिए ये बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और अंत तक मेरे वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं स्पेशली, आप देखते हैं हमारे जीवन में किसी को बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, किसी को धन कमाने की चिंता है, किसी को घर बनाने की चिंता है, किसी को जॉब की चिंता है। ये सब जो चिंताएं हैं अगर आप ठीक से पूरा कर लें तो जिस दिन आप चिंता मुक्त हुए वो कार्य से आप मोक्ष हो जाते हैं, आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। बेटी की शादी करनी है, आप समझिए शादी हो गई, मुक्ति मिल गई। और ये सब करने के लिए बहुत बड़ा कार्य नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मोक्षदा एकादशी के दिन आपको प्रयास करना है। कोई भी पीला वस्त्र स्नान ध्यान करके पहनना है, पीले वस्त्र पहन करके स्पेशली हल्दी चना गुड़ और ये सब इकट्ठा करके, पीला फूल इकट्ठा करके, ये भगवान विष्णु की एक पिक्चर या मूर्ति सामने रखनी है, उनको प्रणाम करके, उनके सामने दिया बत्ती करके और एक पाठ करना है आपको नारायण कवच का पूरा एक पाठ, और दूसरा एक और पाठ विष्णु सहस्रनाम का पूरा पाठ। ये दो पाठ मोक्षदा एकादशी को अगर आप करते हैं दो टाइम, एक सुबह और एक संध्या का, यानी कि एक जब सुबह सूर्य निकलते हैं उसके बाद और एक जब सूर्य ढल जाते हैं उसके बाद, आप ये दो बार दो पाठ अगर मोक्षदा एकादशी को करें तो जीवन में प्रत्येक काम को आप पूरी भली भांति से पूरा करके और उस कार्य से आप खुशी और हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं और उस कार्य से मुक्त भी हो सकते हैं। इसी भाव से आपको दो ये काम करना है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय आर शास्त्री और फेसबुक पेज डॉक्टर संजय आर शास्त्री को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। लेकिन हाँ, एक बात और, बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। नमस्कार।